एक बार फिर से मेरे नियोजित टीचर न्यूज 2.0 में आप सभी शिक्षक साथियों का स्वागत है। आइए देखते हैं बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए खबर। नियोजित शिक्षकों को यूटीआई में जमा राशि विमुक्त करने हेतु शिक्षा विभाग के उप सचिव अरशद फिरोज ने जारी किया आदेश। नियोजित शिक्षकों को मिलेगा यूटीआई में कुल जमा राशि 40,000 से 60,000 रुपया। वीडियो में दिए गए यूटीआई कार्यालय के मोबाइल नंबर पर संपर्क कर अधिक जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उससे पहले मेरे नियोजित टीचर न्यूज 2.0 को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन अवश्य दबा दें, नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि शिक्षा विभाग संबंधी कोई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले आपको। आइए देखते हैं वीडियो को विस्तार से। बिहार के पंचायती राज संस्थान एवं नगर निकाय के तहत पहली से लेकर 12वीं तक के स्कूलों में कार्यरत करीब 3.5 लाख शिक्षकों के लिए 1 सितंबर से EPF योजना लागू करने के साथ ही सरकार ने इनके लिए पहले से संचालित यूटीआई रिटायरमेंट बेनिफिट फंड योजना को बंद करने का निर्णय लिया। सभी शिक्षक यूटीआई कर्मचारियों से संपर्क कर अपना KYC जल्द से जल्द करा ले ताकि यूटीआई में जमा राशि प्राप्त करने में कोई परेशानी न हो। राज्य सरकार का शिक्षा विभाग यूटीआई रिटायरमेंट बेनिफिट पेंशन फंड में प्रति शिक्षक पुस्तकालय अध्यक्ष 200 रुपया अपना अंशदान 31 अगस्त 2020 तक ही देगा। बुधवार को शिक्षा विभाग के उप सचिव अरशद फिरोज द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि चूंकि शिक्षकों एवं पुस्तकालय अध्यक्षों के लिए 1 सितंबर 2020 से EPF को लागू करने का निर्णय लिया गया है, हालांकि 31 अगस्त के बाद शिक्षा विभाग भले ही यूटीआई पेंशन फंड में अपना अंशदान नहीं देगा लेकिन संबंधित शिक्षक पुस्तकालय अध्यक्ष चाहे तो स्कीम में बने रह सकते हैं अथवा एक मुफ्त राशि ले सकते हैं, क्योंकि इस योजना में हर शिक्षक पुस्तकालय अध्यक्ष को व्यक्तिगत रूप से यूनिट आवंटित किया गया है। शिक्षा विभाग के उप सचिव अरशद फिरोज के आदेशानुसार बिहार के सभी नियोजित शिक्षक जिन्होंने लगभग 30,000 से 40,000 तक यूटीआई में अपना राशि जमा की है वो एक मुश्त अपनी जमा राशि ब्याज सहित प्राप्त कर सकते हैं। शिक्षा विभाग के आदेश से यूटीआई के कर्मचारी सभी जिलों में जमा प्रखंडवार सभी KYC कर रहे हैं ताकि शिक्षकों की जमा की गई राशि यूटीआई विमुक्त कर सके। प्रत्येक शिक्षकों को 40 से 60 हज़ार तक की राशि मिलेगी। कुछ शिक्षकों को ज़्यादा राशि इसलिए मिलेगी कि उन लोगों ने प्रति माह 500 से 1,000 रुपया तक अंशदान दिया है। यूटीआई द्वारा उपलब्ध कराया गया अकाउंट नंबर वाला पुस्तिका सेवा का प्रमाण पत्र यूटीआई में जमा राशि प्राप्त करने के लिए यूटीआई कार्यालय में यूटीआई द्वारा भेजी गई पुस्तक के साथ एक आवेदन देना है। लगभग आवेदन में एक सप्ताह बाद यूटीआई में जमा राशि शिक्षकों के सैलरी अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। वीडियो में इतना ही। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।